हेलो कैप्रिकॉर्न्स, दिस इज योर मंथली रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। लेट्स चेक आउट आपके पार्टनर के क्या लव मैसेज, सीक्रेट लव मैसेजेस हैं आपके लिए। और साथ में हम देखेंगे पहले, सबसे पहले जुलाई के महीने में कैप्रिकॉर्न्स, आपका पार्टनर अपनी लाइफ में क्या गुल खिलाता हुआ नजर आएगा, अपनी लाइफ में क्या करता हुआ नजर आएगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एक नींव रखना चाहता है, कुछ नया शुरुआत करना चाहता है, स्टेबल शुरुआत, या तो कोई जॉब न्यू स्टार्ट करना चाहता है। कॉम्प्लिकेशंस देख रहा है अपनी लाइफ में, काफ़ी स्ट्रगल करता हुआ नज़र आएगा आपको आपका पार्टनर। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, रन करता हुआ नज़र आएगा, झूठ बोलता हुआ नज़र आएगा किसी बात को लेकर, ठीक है, रन करता हुआ नज़र आएगा, रनर की एनर्जी में रहेगा आपका पार्टनर। ऑलरेडी आपकी इस इंसान के साथ कुछ मेमोरीज हो सकती हैं जिसको ये याद करता है, ठीक है। ये अपनी इंट्यूशन को सुन के आगे बढ़ता हुआ नज़र आएगा। बॉटम ऑफ द डेक, हीलिंग हो रही है इस इंसान की, ठीक है। ये रन कर रहा है, अब खुद को हील करना चाहता है। तो चलिए, यही था कि कॉम्प्लिकेशंस फील कर रहा है, रन कर रहा है, कुछ ओल्ड मेमोरीज याद करता है, अपनी ट्यूशन को सुन के आगे बढ़ना चाहता है, एक नई शुरुआत की नींव रखना चाहता है, कुछ नया शुरू करना चाहता है अपनी ज़िंदगी में और अपने आप को हील कर रहा है। चलिए लव मैसेजेस देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न्स, आपके पार्टनर की तरफ से आप लोगों के लिए लव मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर। आई लव यू, ये इंसान आपको लव करता है। आई एम सॉरी आई कुड नॉट गेट टू यू, किसी चीज़ को लेकर सॉरी बोलना चाहता है। हाउ डिड आई गेट सो लकी, इस इंसान को लगता है ये बहुत लकी है क्योंकि आप उनको मिले। नेक्स्ट वी हैव सम डे वी विल बी टूगेदर, इस इंसान को लगता है एक दिन आप ज़रूर मिलेंगे। नेक्स्ट आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू, आपके साथ जो है बड़ा होना चाहता है, ग्रो करना चाहता है। आई हैव टू हाइड माई फीलिंग्स फॉर यू, अपनी फीलिंग्स को छुपा रहा है ये इंसान। यू आर माइन, ये इंसान कहना चाहता है आप सिर्फ उनके हैं। देयर इज़ ए प्लेस, विल यू मीट मी देयर, तो ये इंसान आपको मिलना चाहता है। नेक्स्ट आई गेट सो सैड आई डोंट नो वट टू डू, ये इंसान बहुत दुखी हो जाता है। आवर जर्नी इज़ अ नेवर एंडिंग स्टोरी, आपके पार्टनर को लगता है कि ये स्टोरी कभी ख़त्म नहीं होगी। आई वॉन्ट टू राइट यूर नेम इन द स्काई, आपका नाम ये जो है स्काई पे लिख देना चाहता है। चलिए अब हम लेंगे एक सॉन्ग, आपके पार्टनर की तरफ से एक सॉन्ग, यारी है ईमान मेरा यार मेरी ज़िंदगी, तो आप ये सॉन्ग सुन सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।